फाइलेरिया एक बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। अगर हम अंग्रेजी में इसकी बात करें तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब कि मच्छर के काटने से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती है। तो हाँ, ये एक संचारी रोग भी है और ये मच्छर के काटने से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है। मलेरिया, डेंगी, इन सब पे हमारे जो भी नेशनल प्रोग्राम है उन सभी का फोकस है, हमारे हेल्थ सिस्टम का भी फोकस है। लेकिन फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि एक कैटेगरी ऑफ डिजीज में फॉल करती है, जिसको हम कहते हैं निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, मतलब कि निग्लेक्टेड मतलब कि इसको हर कोई निग्लेक्ट कर रहा है। ट्रॉपिकल मतलब कि जहां पे गर्म और नमी वाला मौसम होता है वहां पे ये बीमारी ज्यादा होती है। अगर हम निग्लेक्ट वाले टर्म पे वापस आए तो निग्लेक्ट का मतलब ना सिर्फ हम हेल्थ सिस्टम की तरफ से कह रहे हैं बल्कि हमारी जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी ये निग्लेक्टेड होती है, क्योंकि इसके वजह से कोई भी पेशेंट की मौत कभी नहीं होती है। भले उस पेशेंट वो पेशेंट की जो जिंदगी होती है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत घट जाती है, लेकिन उसकी वजह से मौत कभी नहीं होती है। इसकी वजह से हमारी जो कम्युनिटी है वो भी इस बीमारी को निग्लेक्ट करके रखती है। अगर हम फाइलेरिया के लक्षण की बात करें तो उससे पहले हमें बात करनी चाहिए कि फाइलेरिया के लक्षण दिखते कितने दिन में हैं, क्योंकि वो इस बीमारी में एक अहम चीज है जो कि अन्य बीमारियों में ज्यादातर नहीं देखा जाता है। तो जो फाइलेरिया के लक्षण हैं वो दिखने में लगभग लगभग 10 से 15 साल तक लग सकता है। तो यदि किसी बच्चे को मच्छर काट रहा है जो कि फाइलेरिया से ग्रसित है और फाइलेरिया वो मच्छर उस बच्चे में ट्रांसमिट कर रहा है, तो आप समझिए कि उस बच्चे में लक्षण दिखते दिखते करीब वो 10, 12 साल, 15 साल बीत गए होंगे। तो मतलब कि जब वो बड़ा हो गया होगा, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा होगा, तब उसको लक्षण दिखने शुरू होंगे। अब लक्षण होते क्या हैं? लक्षण शुरुआत इस तरह से होती है, जो हमारे बॉडी के जो लटकने वाले भाग हैं जैसे कि हाथ पैर, पुरुषों में अंडकोश, महिलाओं में स्तन, इन सभी में सूजन आना शुरू हो जाती है। बहुत धीमी धीमी सूजन शुरुआत में आना शुरू होती है और बहुत से केसेस में देखा गया है कि रात में आराम करने के बाद वो सूजन वापस चली जाती है। तो इस वजह से भी ये एक निग्लेक्ट का कारण है कि स्टार्टिंग में जब सिम्टम्स शुरू होते हैं तो उस वजह से अधिकतर लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। सूजन के साथ साथ काइल्यूरिया, जिसको हम हिंदी में धात रोग कहते हैं, जिसमें पेशाब के साथ एक सफेद रंग का पदार्थ आने लगता है, वो भी देखा जाता है और वो भी लेकिन काफी बाद में देखा जाता है। शुरुआत में हल्की फुल्की सूजन आना और सूजन के साथ साथ धात रोग बाद में आता है, लेकिन सूजन ही इसका एक अहम सिम्टम है स्टार्टिंग में। इसकी डायग्नोसिस होती है नाइट ब्लड सर्वे, मतलब कि रात में पेशेंट का खून 2-3 बूंद लेकर के उसकी स्लाइड बनाई जाती है, उसमें अगर फाइलेरिया दिखता है तो उसको डायग्नोस कर दिया जाता है फाइलेरिया। दूसरा जो इसका तरीका होता है वो होता है फाइलेरियल टेस्ट स्ट्रिप, जिसमें रात में जांच करने की जरूरत नहीं होती है, दिन का किसी भी समय हो उसमें उस समय उसका टेस्ट करा जा सकता है पेशेंट का, और खून दो तीन बूंदे खून लेकर के उससे टेस्ट करके डायग्नोस करा जा सकता है फाइलेरिया। अब हम आते हैं दूसरे भाग, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं दो भागों में इसका जवाब दूंगा। जो इसका दूसरा भाग है जवाब का, वो ये है कि जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम के तहत सिर्फ और सिर्फ नाइट ब्लड सर्वे के थ्रू ही इसका टेस्ट हो सकता है। मतलब कि पेशेंट को अगर टेस्ट कराना है तो वो रात में ही टेस्ट करा सकता है। इसके कई कारण है रात में क्यों टेस्ट कराना है, अगर हमारे आगे इंटरव्यू हमें परमिट करेगा तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन नाइट ब्लड सर्वे और नाइट क्लिनिक, फाइलेरिया नाइट क्लिनिक, ये हमारी सरकार की तरफ से पहल है जिसके तहत रात में ही पेशेंट का खून लेकर के उसकी स्लाइड बना करके टेस्ट करा जा सकता है कि फाइलेरिया से ग्रसित है वो मरीज या नहीं। फाइलेरियल टेस्ट स्ट्रिप की जहां तक बात है वो अभी हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो भी हमारे प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है, अन्य किसी भाग में, टेस्टिंग के लिए नहीं, अन्य किसी भाग में। पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। यदि किसी का पैर सूज जाता है तो पैर का कोई ऑपरेशन नहीं है, जो ऑपरेशंस क्लेम करे जाते हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत महंगे भी होते हैं और जो आम तौर पे मरीज है, जो कि गरीब मरीज है, जो कि गांव में रहने वाला मरीज है, वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, तो वो बहुत सक्सेसफुल भी नहीं है। और इसका एक ही इलाज है, रोकथाम। यदि हम इलाज पे वापस आए, यदि हम किसी पेशेंट को वो दवाई देते भी हैं
तो वो बीमारी वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वापस पूरी तरह से सही हो जाएगी ये नहीं होगा। 19-20 जो सूजन है वो कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हो पाएगी। लेकिन पुरुषों में अंडकोश में जब सूजन आती है, जिसको हम अंग्रेजी में हाइड्रोसील कहते हैं, उसका ऑपरेशन करके वो हम सही कर सकते हैं, वो पूरी तरह से सही हो जाता है। लेकिन जहां तक हाथ और पैरों की सूजन की बात है, वो पूरी तरह से कभी सही नहीं हो सकती, यदि वो बहुत आगे बढ़ गई है। 19-20 कुछ कमी आ सकती है सिर्फ। एलिफेंटियासिस सिर्फ और सिर्फ उस लक्षण को कहते हैं जिसमें पैर बड़ा हो जाता है, कि सूजन आने लगती है। जितने भी हमारे शरीर के लटकने लटकने वाले भाग हैं, उसमें सूजन आने लगती है। तो जब बहुत सालों तक सूजन आती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 वो हाथी पांव का रूप ले लेती है, उसी को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। एलिफेंटियासिस एक बीमारी नहीं, एक सिम्टम है, इस बीमारी का सिम्टम है। अगर हम फाइलेरिया पे वापस आए कि और क्या जटिलताएं हो सकती हैं, जटिलताएं सिर्फ एक काइलूरिया हो गया, जिसको हम धात रोग कहते हैं, एलिफेंटियासिस हो गया, और अन्य जो बॉडी के लटकने वाले भाग हैं उसमें सूजन आना। लेकिन ये हमारे सिर्फ सिम्टम है, इसकी वजह से दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं उन पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। यदि एक बच्चा जो आज 10 साल का है, जिसमें फाइलेरिया आज घुसा है उसके शरीर में, 10 से 15 साल बाद जब वो अपना करियर बनाने जा रहा होगा, जब वो हो सकता है वो आर्मी में जाना चाहता हो सकता हो वो क्रिकेटर बनना चाहता हो सकता हो वो खेलों में आगे बढ़ना चाहता हो, और तब उसके पैरों में या अंडकोश में सूजन आने लगती है, तो उसको मेडिकल में पास होने में दिक्कत होगी, तो उसके करियर पे इम्पैक्ट आ सकता है। वही हमारी जो महिलाएं हैं, उनमें अगर सूजन आती है तो उनको भी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ऑल्दो हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है उसके तहत बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन महिलाओं के साथ भी प्रॉब्लम आती है जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। एक तो हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा उदाहरण जो मैं देना चाहता हूँ, जिसका पैर बहुत ज्यादा सूज चुका है, बहुत मोटा हो गया है, उसकी वजह से वो अपने अपनी रोज की दिनचर्या की जो एक्टिविटी होती है वो नहीं कर पाता है। उसको बैठने उठने तक में दिक्कत होने लगती है। उस व्यक्ति को वो जमीन पे बैठ नहीं सकता, अपना काम रोज का नहीं कर सकता, जो उसके नॉर्मल कपड़े हैं वो उसको नहीं फिट बैठ रहे हैं, पैरों में जो सैंडल है वो नहीं फिट बैठ रही है, उसको अलग से वो चीजें खरीदनी पड़ती हैं जो कि सरकार ने अवेलेबल करी हुई है, लेकिन उसको अलग से वो सब खरीदना पड़ता है, जो कि एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में भी फॉल करता है। तो ये भी एक उदाहरण है किस तरह से फाइलेरिया आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि किसी को जब उसी समय पता चल गया, एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे पता चल गया, तो बिल्कुल उसी समय उसको इलाज दे दिया जाता है। उसको जो फाइलेरिया नाइट क्लिनिक है, जो फाइलेरिया नाइट क्लिनिक में तो जांच होती है, उसी तरह से फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट हमारी सरकार ने बनाए हुए हैं, उसको उसी समय फाइलेरिया कंट्रोल यूनिट या फिर जो जिला अस्पताल है वहां भेज करके तुरंत ही दवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और कराई जाती भी है, और वो उसकी बीमारी तुरंत ही वहीं पर रुक जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ती है। तो यदि कोई बच्चा है जो कि 15 साल का है और उसके खून में निकला कि उसको फाइलेरिया है, और वो जाकर के दवा तुरंत खा लेता है, तो उसमें सिम्टम्स फिर कभी नहीं आएंगे। उसने अगर पूरा कोर्स दवाई का ले लिया तो उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो बीमारी से वहीं पे मुक्त हो जाएगा।